आपण सीधासळख चित्र देखी पारुछंती। ये चित्र होउची हनुमान बाटिका शिव मंदिर चित्र, मंगल आरती चित्र। ये होउची से दुर्लभ दृश्य जो दृश्य को देखिया को भक्त सबुबाळे दौड़ी आसी थाए। वर्तमान भगवान को आवाहन करा जाउची, हे प्रभु तुम्हें निदरु उठी जाओ एवं जेते दुख कष्ट रही जनसाधारण ताकु समाप्त कर। सबु कालरे शिवंकर अनेक महात्मा रही, सही महात्मा जदि आम देखिबा ताहले शिव आउ शक्ति दुई जनंकर अनेक करुणा रही भक्तंक उपरे। भगवान शिवंकर महिमा मध्य सेपरि अपार, से अनेक प्रकार मंगल करथांती। सेति भीतर गोटे कथा हला जे भगवान शिव विष को कंठरे धारण करथिले। एबे आसंतो जानिबा से एपरि काहि कि करथिले। ब्रह्मांडर अस्तित्व जेतेबेले संकटापन्न हला सेतेबेले भोलानाथ शिव समस्तंक कल्याण और रक्षा निमित्त निजे विष को कंठरे धारण करथिले। शिव हेउछंती मंगलमय, से संसार त्राणकर्ता। कथारे अछि कोपे बर कि तपे बर, भगवान शिव खूब करुणामय, से सहजरे भक्त मानंकर मनोवांछित फल प्रदान करथंती। अभिव्यक्ति पाई स्वरकारक भगवान महादेव हेउछंती परम शांति प्रदायक और सुधारकर्ता। स्वयं जटाजुट और सर्प को आभूषण भाव धारण करथिबा भगवान शंकर समस्त प्रकार ऐश्वर्यर अधिष्ठाता देवता। से समस्त दिगर स्वामी, जल स्थल आकाश और एपरिकी पाताळर मध्य स्वामी होउछंती शिव। ये होउछि सेई दुर्लभ मुहूर्त जे शिव नुहे से शब अटे। सेथिपाई जगतर आधार समस्त रोग और शोकर भयमुक्त करुथिबा चंद्रकांति युक्त पद्मासन रे उपविष्ट भगवान शिवंक ध्यान और तांक पाई उद्दिष्ट मंत्रर प्रतिदिन उच्चारण मात्रे ही समस्त कष्टर मुक्ति मिलिथाय बोली विश्वास करा जाए। तेबे एही समय रे एही मंत्र गुडी को जप कले तार विशेष फल मिलिथिबा जहा पौराणिक कथारु जणा पड़े। ये आपण सीधासळख चित्र देखि पारुछंती हनुमान बाटिका शिव मंदिर रु किभळी भाबरे वर्तमान मंगल आरती रो जो सब रीतिनीति रहिबा कथा ताहा आरंभ होइ जायछि एवं धीरे धीरे भक्त माने मध्य आसिबे एवं प्रभु को दर्शन करिबे।